केजीएफ चैप्टर 2 का क्लाइमैक्स हिला देगा इंडियन सिनेमा, थिएटर्स बन जाएंगे स्टेडियम। काफी लंबे वक्त से लोगों ने केजीएफ चैप्टर 2 फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया। कोविड-19 के चलते ये फिल्म दर्शकों के बीच जल्द नहीं पहुंच पाई, लेकिन दोस्तों अब समय आ गया है पूरे भारत भर में यश को वो मौका दिखाने का कि केजीएफ चैप्टर 1 के बाद केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी लोगों में क्या क्रेज दिखाते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि इंडियन सिनेमा का सबसे मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 इस महीने की 14 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। आपने इस फिल्म के ट्रेलर से फिल्म के गाने की तारीफ में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं शायद वो जानकर आप इस फिल्म को देखने के लिए अपनी बेताबी नहीं रोक पाओगे। जैसे कि दोस्तों केजीएफ चैप्टर 1 के बाद जिस तरह से इस फिल्म ने लोगों में बज़ बनाया, उसे देखते हुए ये जाहिर सी बात है कि ये फिल्म का सेकंड पार्ट यानी केजीएफ चैप्टर 2 में फिल्म के प्रोड्यूसर ने फिल्म में बेशुमार खर्चा किया होगा। पर इस बार प्रशांत नील ने इस फिल्म के क्लाइमैक्स पर काफी जबरदस्त काम किया है और क्लाइमैक्स में ही उन्होंने काफी करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में रॉकी और अधीरा का एक्शन देखने को मिलने वाला है और ये एक्शन को प्रशांत नील ने एक अलग ही लेवल का बनाया है जिसे टक्कर देना हॉलीवुड फिल्मों का भी काम नहीं है। खबरों की माने तो फिल्म के क्लाइमैक्स करीब 1000 जितने फाइटर्स देखने को मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, क्लाइमैक्स में गन सहित ऐसे हथियार देखने को मिलेंगे जो आज तक आपने इंडियन सिनेमा की कोई भी फिल्मों में नहीं देखा होगा। इस बार प्रशांत नील अपना पूरा फोकस क्लाइमैक्स पर दे रहे हैं। अब आप सोचो कि अगर क्लाइमैक्स में ही 1000 जितने फाइटर्स देखने को मिलने वाले हों तो ये फिल्म में क्लाइमैक्स किस लेवल का बना होगा। फिल्म के बारे में ये सब कुछ सुनते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हो फिल्म के क्लाइमैक्स को देखने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं।